पुंछ और राजौरी जिलों को शोपियां के रास्ते कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर पुंछ जिले की तरफ से डोगरिया से पीर गली तक 6 इंच से 1.5 फुट ताज़ा बर्फबारी। PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ को एक बार फिर जिले की तरफ से मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान शुरू करना पड़ा। गौरतलब है कि पुंछ जिले की तरफ से 4 दिन पहले ही मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान पूरा किया गया था। मुगल रोड जो कि हमने दो तीन दिन पहले 28 मार्च को हमने इसको थ्रो ओपन थ्रो कर दिया था, कनेक्ट कर दिया वैली के साथ, तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मौसम ख़राब है। उसके चलते हुए हमारी मुगल रोड जो लास्ट नाइट को काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है हमारा मुगल रोड में, ये तो हमारी मुगल रोड जो है ये हमारी डुगरा से लेके पीरगल तक दोबारा इसको ब्लॉक हो गई थी। इसमें काफ़ी अवलांच ऊपर टॉप एरिया में आ चुके हैं, तो हमने अपना स्नो क्लीनिंग ऑपरेशन जो है सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर दिया था डुगरा से। तो अभी हमारा स्टाफ जो है वो 40 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, वहां से ये अभी स्नो क्लींस करते हुए टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या भाई, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द इसको लिए ट्रैफिक के लिए खोलें, लेकिन अभी अभी 2 दिन लगेंगे दोबारा से पीर गली को टच करने के लिए, उसके बाद 2-3 दिन लग सकते हैं वाइडनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी शूटिंग स्टोन भी वहाँ चल रहा है और आज अवलांच का भी काफ़ी खतरा बना हुआ ऊपर एरिया में। कौन कौन से एरिया में कितनी बर्फ पड़ी है सर? ये हमारा पुशाना में यहाँ जो है 6 इंच अकोमोडेशन थी, और गली में जो हमारा है 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक, उसमें लड़के बता रहे हैं कि वहाँ अकोमोडेशन है। और जो अवलांचेज हैं, मल्टीपल अवलांच आ चुके हैं जिनको हमें उठाने में काफ़ी दिक्कत पर आती है उसको, क्योंकि वहाँ उसको हमें डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं बचती है, ऊपर से हम काटते हैं तो नीचे वाली रोड में आ जाता है उसका पूरा मलबा, तो उसमें परेशानी हमें आती है। मौसम अभी भी ख़राब है? मौसम अभी भी ख़राब है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, जैसे भी हमें मौका मिलेगा तो हम उसके बीच भी काम करते रहेंगे अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए।